मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। AIMIM के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, लगातार उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उनके दल पर आरोप लगाए जाते हैं कि वह सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यह बातें लगातार सामने आती रही हैं और कहा गया है कि उनकी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण होती है। सांप्रदायिकता के तो आरोप लगते ही रहे हैं इस दल को लेकर। हम बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है MIM, उसमें नेता ही कितने हैं जिनको आप जानते हैं, जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, जो लगातार बयान देते हों। उनके एक नेता हैं, विधायक हैं, उनके खुद के भाई। उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था एक समय पर। वह बयान विवादित था। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को मानते हैं। न्यायालय ने उनको सजा भी सुनाई, केस भी चलता रहा। तो उसके आगे निकलकर यदि हम देखें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, तो वह विवादों से शायद बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि उनके छोटे भाई ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था, जो कि देश की अखंडता के लिए, सेकुलरिज्म के लिए काफ़ी खतरनाक है। लेकिन हम बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी क्या भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला देती है, तो झारखंड में इसका उलट देखने को मिला और यह समीकरण बदल गए। हम बात कर रहे हैं कि कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वह प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे, प्रदर्शन जारी रहने चाहिए, CAA के विरोध में भी हैं, NRC के विरोध में हैं, NPR के भी विरोध में हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संसद में अपनी जो अपना गुस्सा था वह भी सामने निकाला, बिल की कॉपी को फाड़ कर आलोचनाओं के घेरे में भी लगातार आ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी ने। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जिसको शायद सुर्खियों में नहीं लिया गया, उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और लगातार चाहे उन पर सांप्रदायिकता के आरोप लगाए जाते रहें, लेकिन उनकी ये जो बातें हैं ये भुलाई नहीं जा सकती हैं। उन्होंने कहा था प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन यदि प्रदर्शन सांप्रदायिक होता है, मतलब हिंसात्मक होता है, उस हिंसा से वह दूर हट जाएंगे और बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को साफ चेतावनी दी थी कि वह प्रदर्शन में आपके हिस्से का सहयोग नहीं करेंगे यदि हिंसा सामने होती है तो। लेकिन आपने देखा बीते दिन मेरठ में SP हैं अखिलेश सिंह, उनका नाम है, उन्होंने जिस तरह कहा प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तान चले जाओ, खाते यहाँ का हो, बजाते वहाँ की हो, यह बहुत ही निंदनीय था। असदुद्दीन ओवैसी ने आलोचना भी करी है इस बात की और कहा है कि उनके प्रयासों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जो उनके प्रयास हैं, जो देश को जोड़ने के प्रयास हैं, उनको लगातार तोड़ा जा रहा है। SP के इस बयान की बहुत ज़्यादा निंदा की है असदुद्दीन ओवैसी ने। जिस तरह उन्होंने कहा कि प्रदर्शन हिंसात्मक ना हो, वह कानून के दायरे में चलना चाहते हैं, संविधान के दायरे में चलना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश सिंह जिस तरह दायरे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश की जनता पर, आने वाली जो पीढ़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इन बातों को सुनेंगे। यहाँ पर जब सफाई दी SP ने, जो इनका नाम है अखिलेश सिंह नाम है जिनका, उन्होंने सफाई ये दी कि भारत विरोधी नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। यदि इस तरह के नारे लग रहे थे तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और उन नारों को लगाने वाला किसी भी धर्म, समुदाय या जाति का व्यक्ति हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मेरा तो कहना यह है कि इस संबंध में एक नया कानून भी बन जाए कि आप फांसी की सजा दे दीजिए देश विरोधी नारे लगाने वालों को। लेकिन जब SP अखिलेश सिंह, जो कि कानून की रक्षा के लिए उतरे हुए हैं, वह कानून कैसे तोड़ सकते हैं? यदि आपके सामने कोई हत्या हो रही है, आप उसके बदले में हत्या नहीं कर सकते। आपको एक उदाहरण पेश करता हूं, पिछले समय जब अभी बीते समय में आपने देखा किस तरह हैदराबाद में जो दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, उनका एनकाउंटर कर दिया पुलिस वालों ने, एक सही काम किया, साफ काफ़ी लोग सही ठहरा रहे थे, जो घटना हुई उनका मरना सही था कह रहे थे, लेकिन तब भी पुलिस पर उंगलियाँ उठी थी कि आप संविधान के दायरे से बाहर कैसे गए, कहीं यह एनकाउंटर फर्जी तो नहीं है, क्या वे वाकई में आपके ऊपर हमला कर रहे थे? तो संविधान को सही रखना है, सुरक्षित रखना है। यदि वहां से देश विरोधी नारे लग भी रहे थे, लेकिन आपका यह हक नहीं बनता है कहने का कि आप पाकिस्तान चले जाओ। आप राजनीतिक हो रहे हैं, नेताओं की बोली बोल रहे हैं, देश विरोधी नारे लगे हैं वह गलत है, उन पर जांच होनी चाहिए, लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ वह गलत है, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? देश विरोधी नारे लगाना गलत है, ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है? जिस तरह SP अखिलेश सिंह ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान चले जाओ, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मेरे प्रयासों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, आपका लाइक भी महत्वपूर्ण है, कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा, नमस्कार।